अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में आज हम वचन के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर इससे पहले का आपने हिंदी व्याकरण का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी व्याकरण का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम वचन के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा देखते हैं। अगर आपको लिखना रहेगा बच्चों तो आप अपने किताब में इसको लिख सकते हो अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि बाद में आप इसे अपने किताब में लिख सको। यहाँ पे देखो वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। आप उदाहरण से समझो, जैसे मैं बात करूं मेरे हाथ में कितना मार्कर है, एक मार्कर है, तो इसे क्या कहेंगे? एक कहेंगे। समझ में आ गया? अगर मेरे हाथ में बहुत सारे मार्कर रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अनेक कहेंगे। समझ में आ गया? जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं हम, जैसे कि कोई एक अकेला लड़का है तो उसे क्या कहेंगे? लड़का कहेंगे। अकेले कोई लड़का हो तो उसे क्या कहेंगे? लड़का कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे लड़के एक साथ रहेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? लड़के कहेंगे। लड़का को बोलोगे तो किसी एक लड़का के बारे में बात हो रही है, जब लड़के बोल दोगे तो बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है। समझ में आ गया? फिर से समझो, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। चलो वचन के प्रकार के बारे में समझते हैं। आप उदाहरण देखोगे तो एकदम आसानी से समझ जाओगे। तो बच्चों वचन के दो प्रकार होते हैं, जो पहला प्रकार है जो है कि एक वचन और बहुवचन। समझ में आ गया? वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला जो है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो चलो सबसे पहले हम एक वचन के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, आपने पढ़ा रहेगा सिंगुलर नंबर। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, एक प्राणी या एक पदार्थ होने का पता चलता हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं बच्चों? यहां पे ध्यान दो, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु होने का पता चले, या तो किसी एक प्राणी होने का पता चले, या किसी एक पदार्थ होने का पता चलता हो तो उसे एक वचन कहते हैं। आप उदाहरण से समझो, जैसे कि यहां पे देखो किताब लिखा है, यानी किसी एक किताब की बात हो रही है। यहाँ पे किताब का मतलब किसी एक किताब के बारे में बात हो रही, बहुत सारी किताबों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो किताब क्या है? एक वचन है। सड़क अगर मैं कहता हूं तो ये शब्द क्या बता रहा है? किसी एक सड़क के बारे में बता रहा है। अगर सड़कें होता तो बहुत सारा हो जाता, यहाँ पे एक सड़क की बात हो रही है। समझ में आ गए? यहाँ पे लड़का है, लड़का यानी किसी एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, इसीलिए लड़का। तो यहाँ पे देखो, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, यानी एक वस्तु के बारे में या एक प्राणी के बारे में या एक पदार्थ के बारे में पता चलता हो तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मैं कहूं माता, तो माता क्या हो जाएंगी? अकेले किसी एक माँ के किसी एक माँ के बारे में बात हो रही है। अगर मैं माताएं बोल दूं, यानी कि बहुत सारी माताओं के बारे में बात हो रही है। समझ में आ गए? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, एक प्राणी या एक पदार्थ होने का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। समझ में आ गए? वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, याद रखना। अगला देखते हैं बहुवचन। बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल कहते हैं। समझ में आ गए? चलो इसको समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक, यहां पे देख रहे हो, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों का होने का पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो किताबें लिखा है, यानी एक से अधिक किताबों के बारे में बात हो रही है। यहाँ किताब लिखा होता तो एक किताब होता, और किताबें हैं तो यानी कि बहुत सारी किताबों के बारे में बात हो रहा है या पता चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? जब एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों के का होने का पता चलता हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन में क्या होता है? जब एक से अधिक वस्तुओं का या प्राणियों का या पदार्थों का होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि किताबें, यानी कि एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें के बारे में बात हो रही है। सड़क, एक सड़क की नहीं, बहुत सारे सड़कों की बात हो रही है। सड़कें बोल दिए तो बहुत सारी सड़क आ गई है ना।
लड़के यानी किसी एक एक बच्चा एक लड़के के बारे में नहीं बात हो रही, बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैंने कुछ एक वचन और बहुवचन लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा है नदी, नदी जो है एक वचन है, जब नदियां कह दोगे तो यानी कि बहुवचन हो जाएगा। नदियां मतलब बहुत सारी नदियां, नदी मतलब एक नदी, समझ में आ गया। कपड़ा यानी कि एक कपड़ा, कपड़े कह दिए तो बहुत सारे, जब बहुत सारे रहेंगे तो बहुवचन रहेगा, जब एक रहेगा तो एक वचन रहेगा। घोड़ा यानी कि एक घोड़ा है, यहाँ पे घोड़े कह दिया तो बहुत सारे, जब बहुत सारे रहेंगे बहुवचन हो जाएगा, जब अकेले रहेगा तो एक वचन रहेगा। बेटी यानी किसी एक बेटी के बारे में बात हो रही है, जब बेटियां कह दोगे तो बहुवचन हो जाएगा, यानी बहुत सारे बेटी के बारे में बात हो रही है, समझ में आ गया। महिला किसी एक महिला के बारे में चर्चा हो रहा है, जब महिलाएं कह दिया यानी कि बहुत सारी महिलाएं, जब बहुत सारी होगा तो बहुवचन होगा, जब अकेले होगा तो एक वचन होगा। और बच्चों कुछ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, कुछ बच्चों ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जब वचन बदलो में आपको पूछा जाएगा परीक्षा में कि वचन बदलो, तो जब ऐसे शब्द आएंगे तो एक वचन बहुवचन दोनों एक ही रहेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न पूछ लिया गया नदी को बहुवचन में बदलो, तो आप क्या करोगे, नदियां लिख दोगे। कपड़े को एक वचन में बदलो तो आप कपड़ा लिख दोगे। अगर ऐसे शब्द आते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है एक वचन को बहुवचन में बदलो, तो जैसे राजा लिखा रहेगा, राजा जो है एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। नेता, फूल, क्रोध, पानी, योद्धा, दादा, प्रेम, क्षमा, चाचा, पिता, ये जो ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। समझ में आ गया, मुझे यकीन है कि बच्चों आपको हिंदी व्याकरण का जो वचन है अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको समझा सकूं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।